गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रियंका गुप्ता, योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर, रेकी मास्टर। और दोस्तों, आज मैंने आपके दिल की मुराद सुन ली। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक धमाकेदार स्पाइसी चटपटी सक्सेस स्टोरी, जिसे सुन करके ना आप इतना हंसोगे कि ऐसा भी हो सकता है, कैन वी डू दिस। मतलब यहाँ मेरे पास लोग फोन करके, मैम क्या हम एक रिश्ता मैनिफेस्ट कर सकते हैं? एंड दिस गर्ल शी इज जस्ट अ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टर, शी इज अ रॉक स्टार। सो फैमिली, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, वीडियो को पक्का लाइक करना और हमारे चैनल को दूर दूर तक पहुँचाओ, दूर दूर तक शेयर करो दोस्तों। और दोस्तों, इनका मैं नाम नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं इनकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। दोस्तों, इन्होंने मुझसे पिछले महीने कांटेक्ट किया था। इनका बॉयफ्रेंड से इनका ब्रेकअप हो चुका था फरवरी में। इससे पहले इन दोनों का रिश्ता ऑन ऑफ चल रहा था और बहुत अच्छा नहीं था, बहुत झगड़े हो रहे थे। और फरवरी में इनकी दोनों की बात ही होना बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ये अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहती थी, तो इन्होंने मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन किए लिया। तब मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप सोलमेट अट्रैक्शन प्रोग्राम लो। सो उन्होंने वो कोर्स लिया। परेशान थी तो मैंने कहा कि देखो, आपको कोर्स लेना बिल्कुल सच्चे हृदय से आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ईजी रहना है और आपको उस बंदे के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल मस्त रहना, खुश रहना, लाइक दिस इज हैपनिंग राइट हियर राइट नाउ। शी स्टार्टेड द कोर्स, इन्होंने कोर्स लेना शुरू किया दोस्तों, करना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, चौथे दिन, इट इज़ जस्ट 4 डेज, इन्होंने मुझे मैसेज किया। और क्या मैसेज किया? मैम आई एम शॉक्ड। और आगे क्या था कि मैम, जितने लड़के मेरे क्रश थे पहले, दे ऑल हैव कॉल्ड मी। मतलब जो भी लड़के इनके क्रश हुआ करते थे पहले इनके बॉयफ्रेंड से, वो सब इनको कॉल करने लगे, ऑल ऑफ देम कॉल्ड हर। फिर क्या हुआ, एक लड़का जो इनके बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सेम था, इनके बॉयफ्रेंड का नाम सेम था, उसने इनको कॉल किया। एंड शी वॉज लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये है ना सर घूमने वाली बात दोस्तों। यहाँ हम एक एक मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए परेशान रहते हैं, और इस लड़की को देखो क्या धमाकेदार रॉकस्टार मैनिफेस्टेशन है इसका, कि बताओ जितने लड़के इसके क्रश थे, जिनके बारे में सोचा करती थी कि मैं भी, शायद ऐसा होता है नहीं, कॉलेज टाइम में वी हैव क्रश, कि अच्छा वो लड़का कितना स्मार्ट है, अरे ये, एंड ऑल ऑफ देम सडनली कॉल हर, व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसा नहीं होता कि छप्पड़ फाड़ कर मिलना इस लड़की के साथ, वही चीज़ हुआ, छप्पड़ फाड़ कर इसको मिल गया। फिर कुछ दिनों के बाद इनका बॉयफ्रेंड पता नहीं अपने आप ही प्रकट हो गया इनके सामने, इनसे मिलने आया और इनसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। एंड शी वाज लाइक, इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा कि अच्छा देखो, सीक्रेट मत बताना तुमने क्या किया उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, है ये कितनी धमाकेदार सक्सेस स्टोरी, ये हमें बताती है कि अगर हम सच्चे दिल से विश्वास करें और हमारी भीतर बच्चों जैसी मासूमियत आ जाए, तो हम सच में खुद कितना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं दोस्तों इस फील्ड से जुड़ी हूँ बड़े लंबे समय से, लेकिन इससे खतरनाक सक्सेस स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। दिस इज बाय फार द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज आई हैव एवर हर्ड, क्योंकि जनरली जो मुझे सक्सेस स्टोरी मिलती है बहुत इमोशनल टाइप की होती है, डीप और इंटेंस टाइप की होती है, बट ये सक्सेस स्टोरी जैसे वो मूवी नहीं थी गोलमाल वाली, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ये सक्सेस स्टोरी बिल्कुल वैसी सक्सेस स्टोरी है। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेटेड दैट गर्ल, और उस लड़की की वजह से मेरा खुद का बिलीव सिस्टम यहाँ पहुँच गया कि यस आई कैन डू इट। मतलब ऐसी खतरनाक सक्सेस स्टोरी हो सकती है, ऐसा खतरनाक मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है दोस्तों। तो देखा, आप स्ट्रगल करते हैं अपनी वजह से और कोर्सेस काम करते हैं दोस्तों, टेक्निक्स काम करती हैं, बट आपको मस्त होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और उस चीज़ के प्रति परेशान नहीं होना चाहिए। अरे बॉयफ्रेंड गया तो गया,
फिर वापस लाएंगे, शादी नहीं हो रही है शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही नौकरी भी मिल जाएगी, क्या टेंशन है, क्यों परवाह करनी लाइफ की, क्यों इतना परेशान होना जिंदगी में। याद रखो यार, ये जिंदगी से मौत के बीच का सफर, हम कैसा बिताना चाहते हैं, नौकरी पैसा पति रिश्ते ये सब यहीं छूट जाएंगे, लेकिन जो असली खुशी है, जो आनंद है, जो शांति है, जो मुस्कुराहट है, वो हम सबके पास है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली का एक एक बंदा बिल्कुल अपने भीतर मुस्कुराहट का खिलखिलाता हुआ फूल बने, सूरजमुखी की तरह खिले और सब चीज़ मैनिफेस्ट करे बिल्कुल इसी लड़की की तरह। सो आज के वीडियो में इतना ही, और आपको मुझे पता है कि पक्का पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्ते।